तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासत की खबरों के साथ और बात करेंगे कमलनाथ की, जहां नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा है कि बीजेपी का काम झूठ बोलना है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कमलनाथ ने यह बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी का काम झूठ बोलना है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब कमलनाथ ने यह बयान दिया है और कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भावी सीएम को लेकर अंतर्कलह की खबर सामने आ रही थी और इसी को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया था और कहा था कि कमलनाथ कांग्रेस के कोरोना से लाख बचने की कोशिश करें लेकिन वो बच नहीं पाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि शायद इन्हीं से परेशान होकर चुनाव वो नहीं लड़े। तो अब इसके बाद कमलनाथ ने इस बयान का पलटवार किया है और ये बोला है कि बीजेपी का काम झूठ बोलना है। मैंने ये कभी नहीं कहा, कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में है, मेरा गांव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सो सौंसर विधानसभा में मेरा गाँव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहाँ से लड़ूंगा। ये वाकई ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। तो ये बयान कमलनाथ का आपने सुना, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का काम झूठ बोलना है। और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। असल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पिलॉन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हमने कमलनाथ का भी बयान सुना, नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सुना और अब कमलनाथ ने यह साफ कर दिया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, हमें लगता कमलनाथ ने ये कहा भी नहीं था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल हास परिहास पे जब कुछ लोग बैठते हैं मीडिया के साथ, वो बैठते हैं तो बात चल रही थी, बात ही बात में जैसा उन्होंने जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि सौंसर से क्यों चुनाव नहीं लड़ते, सौंसर भी उनकी विधानसभा एक विधानसभा है और उसी में उनका गाँव आता है, लेकिन वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते, तो उसको लेकर कुछ सवाल जवाब चल रहे थे, उसकी बात वो कर रहे थे। लेकिन फिर बात ये सामने आ गई कि कहीं से उन्होंने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया, कई नेताओं ने ट्वीट किए और सीधे तौर पर निशाना साधा। आज मुख्यमंत्री जी ने भी निशाना साधने का प्रयास किया, हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी देख रहे हैं, उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन सवाल यही है क्या कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और आप देखिए कि एक तरफ भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको लेकर पोस्टर बैनर लग रहा है, फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो वो लड़ना चाहते हैं। ये भी बात कही जा रही थी कि 230 विधानसभा है कुल मिलाकर, यदि वो वहां का काम देखेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, शायद ऐसी बात थी, लेकिन उसको दूसरे तरीके से फिर ले लिया, बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई आई। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसी बात को पकड़ लेती है तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी को खुद आकर यह कहना पड़ा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी इसमें माहिर है कि जरा सी आपके मुंह से यदि कोई स्लिप हो गई, टंग स्लिप हो गई, तो फिर ऐसे माहौल बना देती है कि जवाब भी देना पड़ता, तो आज कमलनाथ जी को भी आना पड़ा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री के रूप में जैसा कांग्रेस के लोगों से प्रस्तुत किया जा रहा उसी रूप में वो दिखाई देंगे। उन्होंने आज अपनी बातों में साफ कर दिया और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर और सियासत गरमाएगी, क्योंकि अब उनका बयान आया तो बीजेपी क्या कहती है। लेकिन बीजेपी इंतजार में जरूर रहती है कि कहीं कुछ गलती हो जाए और फिर निशाना साधती है। बिल्कुल मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो ये कमलनाथ ने बयान दिया, मीडिया के सामने आया और उन्होंने ये साफ किया कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।